ये क्या एड़े लोग रे, एक को आराम करने का है, एक को मटर पुलाव खाने का है, और ये सारा काम करेगा कौन? तू अकेली, तू क्या इंसान नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है मैडम, हमारे देश में हर चौथे और पांचवे घर में ये कहानी आपको मिलेगी। हमारे यहाँ के पुरुष प्रधान समाज ने ना बहुत ही होशियारी और बहुत ही सहूलियत से औरत और मर्दों के बीच में जिम्मेदारियों को बांटा हुआ है। मर्द का काम है घर के बाहर जाके कमाना, और औरत का काम है घर परिवार को संभालना। चुप रहने से भी छिन जाते हैं एजाज़े सुखन, कि जुल्म सहने से भी हो जाती है जुल्मी की मदद। तू सह रही है, इसके लिए वो जुल्म कर रहे हैं। एक बार अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हुलिया बनाया है। कल को तुमको कुछ हो जाएगा तो फिर तुम्हारे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, इसके बारे में सोचा तुमने? अरे मैं भी थक चुकी हूँ घर और बाहर का चक्कर काटते काटते, पर अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब मैं और परेशानी नहीं दे सकती अपने बेटे को, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? अरे पर जो हुआ उसके लिए तो खुद को काय के लिए ब्लेम कर रही है, इसमें तेरी क्या गलती है? मेरा ही तो फॉल्ट है, अगर मैं ये जॉब नहीं करती तो मेरा बेटा यहाँ नहीं आता, मेरा बेटा नहीं आता तो वो खोता नहीं तो ये आप लोग इतना परेशान नहीं होते। सोचा था कि जॉब करके सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, पर मैं गलत थी, मैं फेल हो गई, और ये रास्ता छोड़ने के अलावा मेरे पास अब कोई और जॉब नहीं। मतलब जॉब छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? हाँ वही रास्ता है, और रास्ता हमेशा होता है। ये जो गलत विचारधारा है इसके विरुद्ध तुम्हें आवाज उठाना होगा। तुम एक बार FIR करो, एक बार, फिर हम तुम्हारी ये सास और तुम्हारे पति का जो है ना खोपड़ी ठिकाने लगाएंगे, तुम देखना। भरोसा करके देखो हम पे एक बार, सोचो इस बारे में। चलो चलो बिल्ले। यस बाय बेटा। सुनो, ये जो भी कहकर गई है बिल्कुल सही बात कहकर गई है, सोच के देखना। देहरादून वाली कमला मासी, मलाइका, गोलगप्पे वाला, नवाब साहब, लल्ला, नहीं लल्ला आपको क्यों याद करेगा, वो तो करिश्मा मैडम को याद करेगा ना। लल्ला के बाबूजी याद कर रहे हैं इनको, जाएंगी अभी ऊपर। तो कोई दूर का रिश्तेदार पुष्पा जी याद कीजिए। बुआ सास, आपकी भी सास है? बाप रे बाप, हिचकी रुक गई। रुक गई, हिचकी रुक गई। अरे हाँ सर, तो हमारी हिचकी रुक गई। बुआ सास, बुआ सास, बुआ सास, गजब। हाँ बुआ सास, लल्ला के पापा जो थे ना उनकी सबसे बड़ी बुआ, मगर सास। शादी करके जब लल्ला के पापा के घर आए ना हम, तो वो एक ही थी जिनसे मिलकर हम अपनी माँ को भूल गए। वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, बहुत चाहती थी हमें। लेकिन बुआ जी, इतना साल बाद आज ही आपको क्यों याद की? अरे हमारी हिचकी बंद होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने हमें याद किया होगा। संजोग से हमने उनका नाम लिया और हमारी हिचकी चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो क्यों हमें याद करेगी, वो भी इतने सालों बाद। हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। पुष्पी, हम हैं, पहचाना? बुआ सास, आप बोल रही हैं? अरे पाए लगो, प्रणाम। इतने सालों बाद आपकी आवाज सुनी तो हमें यकीन नहीं हो रहा है हमारे कानों पर। कैसी हैं आप? खुद ही देख ले, तेरे पीछे ही खड़े। क्या पुष्पी, मतलब सच में याद कर रही थी? कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, 20 साल बाद तेरे गले मिल रहे हैं हम। आप ही ने हमें दूर किया था, हम भी तो तरस गए थे, आप ही ने हमें गले नहीं लगने दिया, हमसे बात नहीं की। भूल थी हमारी, तूने पुलिस की नौकरी करने का फैसला जो कर लिया था, हमें लगा तू नौकरी के साथ घर परिवार को नहीं संभाल पाएगी। एक औरत का सबसे पहला फर्ज अपने घर परिवार की तरफ होता है,
और नौकरी करने के साथ तो वो नहीं कर पाती, इसलिए ना हम नाराज हो गए, हमें गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने कसम खा ली कि हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि तेरे सामने कोई चारा ही नहीं था। लल्ला के जाने के बाद छोटे लल्ला और घर की जिम्मेदारी तुझ पर आ गई थी। तू नौकरी न करती तो कैसे घर चलाती? हाँ, इसलिए हमने अपना गुस्सा थूक दिया और हमने अपनी कसम तोड़ दी और हम आ गए यहाँ तुझसे मिलने, तुझे माफ करने और अपनी बहू से मिलने। तू कैसी है? वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ये गोलगप्पे, ये पापड़ी चाट, ये दही भल्ले और ये आलू टिक्की, हाँ सब है ना? वो सब छोड़, पहले ये बता हमारी बहू कहाँ है? आपके सामने ही तो है। ये कौन है? संतोष शर्मा, कांस्टेबल है। प्रणाम प्रणाम बुआ सास जी, प्रणाम प्रणाम। पहला ये कौन है? ये भी कांस्टेबल ही है। महिला थाने में ये? हाँ, वो क्या होता है ना, कभी कभी महिलाओं का स्टाफ पूरा नहीं होता ना, तो मर्दों को भेज देते हैं। और संतोष शर्मा, मैं इसकी बात नहीं कर रही थी, अपनी मतलब कि इसकी बहू की बात कर रही थी। क्या है, उसकी शादी के वक्त ना हम मुंह फुलाकर गुस्से में बैठे थे ना, इसलिए शादी में नहीं आ सके। लेकिन ठीक है, अब देखना चलती हूँ। चल दिखा तेरी बहू कहाँ है। वो वैसे वो तो नौकरी नहीं करती है ना, घर परिवार वाली है ना। क्या सब ताक रहे हो, बोल ना। अब बिल्कुल नौकरी वाली नहीं, एकदम घरेलू है, घर संसार संभालती है, गृहस्थी अच्छे से संभालती है, गाय है, एकदम गाय। तो चल मिलते हैं तेरी गाय से, चल ले जा मुझे, चल 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 चल। अपराधी चरने गई है। सॉरी 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 सॉरी, उठा उठा। अरे सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं। हाँ मैंने, देख के चलो। क्या हुआ? मेरे को लगा कि वो इधर है, वो हीरो। कौन हीरो? अरे अनुभव, वो शहर में ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं? नहीं है। नहीं, हमारा कल ही बात हुआ ना उनसे, हमने उनको पेन ड्राइव के बारे में बताया और उनको बोला है कि हमें आप तक पहुँचानी है जितनी जल्दी हो सके। उन्होंने कहा है कि वो दो दिन बाद आएंगे और फिर हम उनको पेन ड्राइव दे देंगे। ठीक है, बरोबर बरोबर। चलो। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, करिश्मा सिंह ये पेन ड्राइव अनुभव को दे देंगी और हम उनसे ये पेन ड्राइव ले लेंगे। एक बार हम ठीक हो जाएं हसीना मलिक, फिर आपको बताते हैं कि हम क्या चीज हैं। खाइए खाइए बुआ जी, खाइए। अरे उठाओ फोन, उठाओ जल्दी। अगर बुआ जी ने तुम्हें वर्दी में देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ है छोटी बहू? हाँ बुआ जी। अब तू तो कह रही थी कि बड़ी घरेलू है, तो घरेलू औरतें इतनी रात गए घर से बाहर रहती है क्या? अरे ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, वो बस आती होगी। क्या है ना, बहुत बहुत श्रद्धालु है। हाँ पूजा पाठ करती है रोज, वो क्या है, बहुत धार्मिक है ना आपकी छोटी बहू। वो क्या है ना, बिना दर्शन किए वो अन्न जल कुछ ग्रहण ही नहीं करती। अच्छा क्या हुआ? वो आज जेल में कैदी को मारा ना, तो अकड़ गई है कमर। तो जेल में कैदी को तू मारती है या कैदी तुझे मारता है? कितनी मजा किया है आप आगे देखिए वरना आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। तो आती ही होगी वो। लो आ गई,
आ गई हमारी छोटी बहू जी। बड़ी लंबी उम्र है, 100 साल जिएगी। आप बैठे ना, हम दरवाजा खोलेंगे। नहीं, हम जाकर दरवाजा खोलेंगे। हम ना सरप्राइज देना चाहते हैं उसे। तू यहाँ पर खड़ी रहे पुष्पी। अरे जाकर आप इतना लंबा सफर करके आई है, कहाँ। अगर बुआ जी को करिश्मा के एसआई होने के बारे में पता चल गया तो वो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी। पुष्पा, ओ पुष्पी, अरे बिजली चली गई, लाइट चली गई। हाँ चिंता मत कीजिए बुआ जी, आ जाएगी लाइट आ जाएगी। अरे लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? आप जहाँ खड़ी हैं वही खड़े रहिए, इधर उधर गई तो फिर लग जाएगा खामखा आपको, ठीक है। लेकिन ये बिजली कब आएगी, हमें बहुत डर लग रहा है। आज अंदर चलो बताते, आ जाएगी बुआ जी, पे देखते हैं कुछ हुआ तो नहीं है। हाँ आ जाएगी लाइट। अच्छा नहीं लग रहा मुझे उर्मिला जी मंजू के लिए, मतलब अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। मतलब कैसे होते हैं मर्द। सांतु जी, सारा मर्द ऐसा नहीं होता है सब। सांतु जी, जिंदगी में कुछ मर्द ऐसा होता है जो अपनी पत्नी के कंधा से कंधा मिलाकर चलता है सब, हर कदम पर उसका साथ देता है सब। अगर मानिए हमारी पत्नी होगी ना और उसका जॉब होगा तो घर का सारा जिम्मेदारी हम अपना सर पर उठा लेंगे। हर कदम पर हम उसके साथ रहेंगे, हर सुख में हर दुख में उसके साथ खड़े रहेंगे डटकर। असल मायने में हम लड़का नहीं है संतु जी, हम लॉटरी है, लॉटरी। बिल्लू हमें एक टकले का हुए, मेरे को एक बात बता, वो बच्चा हॉस्पिटल में इच मिलेगा, उधर इच मिलेगा, ये बात तेरे को कैसे मालूम? मेरे पिताजी बहुत बहुत दारू पीते थे, दिन भर टून रहते थे, इसलिए मेरी माँ बचपन में मुझे हमेशा साथ रखती थी। दिन में घर की ड्यूटी और नाइट में रात की ड्यूटी। नाइट की ड्यूटी? नाइट, अभी चोरी का धंधा नाइट में करेंगे दिन में करेंगे नहीं ना, इसीलिए नाइट ड्यूटी। तो मेरी माँ नाइट में निकलती थी अपने चोरी के धंधे के लिए मुझे साथ लेकर। मेरी माँ के साथ रहकर ही मैंने चोरी चकारी के सारे पैतरे सीखे। मेरी माँ एक हाथ से तिजोरी साफ करती थी तो दूसरे हाथ से मेरा नाक साफ करती थी। हमेशा कलेजे से लगा कर रखती थी मेरी माँ। मैं भी उसके साथ रहना बहुत पसंद करता था, इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि यही तो मंजू है, उसका बेटा जो है वही अस्पताल में रहे। क्या? सॉरी, मैं इमोशन में बह गया, सॉरी। तो मंजू का जो बेटा है वो अस्पताल में उसके साथ रहता है, तो मैंने सोचा कि वो मंजू का बेटा अस्पताल के दायरे में ही होगा, इसीलिए मैंने वहां ढूंढा और बच्चा वहां मिला। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मंजू को उसके परिवार वाले का सपोर्ट मिले। वैसे बिल्लू जी, मदद तो ऑब्वियसली हम सब करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने के लिए उन्हें ऑफिशियली अनऑफिशियली हमसे मदद मांगनी होगी, तभी तो कर पाएंगे ना। पर मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आएगी, वो अपने से मदद मांगने जरूर आएगी। एक दो दिन के लिए पहन लीजिए ना साड़ी, क्या जाता है आपका। नहीं नहीं, बाद में फिर आप जैसी है ना भरी हुई बंदूक बन के घूमिए, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। और सुनिए, हाँ उसके साथ ना सिंदूर लगा दीजिए पूरा यहाँ तक। भैया ये सब नहीं होगा हमसे, ठीक है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हमें नहीं पता आपकी बुआ सास के लिए एक बहू की परिभाषा क्या होती है, लेकिन हमारे लिए हमारा वर्दी जो है वो हमारा पहचान है पुष्पा जी। हाँ देखिए, आप भी जानती हैं अच्छे से, हमें भी हमारी वर्दी पर उतना ही नाज है जितना आपको है। हाँ हम जानते हैं, तभी तो हम सोच रहे कि आप हमें बदलने के लिए काहे कह रही हैं। अम्मा उनको सच बता दीजिए, देखिए सच बता दीजिए कि आप जो हमारी बहू के बारे में सोच कर आई थी, हमारी बहू वैसी नहीं है, उसमें दिक्कत वाला कौन सा बात हो गया है? दिक्कत यह है कि लल्ला के पापा के साथ शादी तो हो गई हमारी, मगर उस परिवार ने हमें कभी स्वीकार नहीं किया। लल्ला के पापा पूरे परिवार के साथ लड़े, मगर आखिरकार जीत परिवार की हुई और परिवार ने हमारा बहिष्कार कर दिया। ना किसी खुशी के मौके पर हमें बुलाया जाता था, ना हमारे किसी तीज त्योहार पे उस परिवार में से कभी कोई आया। 20 साल गुजर गए मगर उनकी अकड़ नहीं गई। ऐसा नहीं था कि हम हमारे वैवाहिक जीवन में कभी खुश नहीं थे, बल्कि हम बहुत खुश थे, बस उस परिवार ने हमें कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। एक बुआ सासी थी जिनसे फिर भी हमारा एक रिश्ता था, मगर वो भी हमारे
विचारों के मतभेदों की वजह से बलि चढ़ गया, मगर अब 20 साल बाद बुआ सास आई है सामने से, हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, वही पुराना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। तो अब उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, उनके लिए ना सही, हमारे लिए, आप हमें तो मानती है ना, हमारे लिए भी नहीं करेंगे आप ये? नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम क्या करें उसमें, हम वो नहीं बन सकते जो हम नहीं है, बस। अरे पुष्पी, कब दिखा रही है अपनी बहू को, कब से बोले जा रही है अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, आ ही नहीं रही है, हम कब से इंतजार करते बैठे हैं। अरे पुष्पी कहाँ है? बुआ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। बात दरअसल ये है कि आपकी जो छोटी बहू है, मतलब हमारे लल्ला की जो पत्नी है, क्या है बोल ना पुष्पी, आपको लगता है ना कि वो बहुत घरेलू है, संस्कारी है, तो सच तो ये है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल देखा, हमने कहा था ना एकदम संस्कारी है। हाय, कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी, सच में तेरे लल्ला के तो भाग खुल गए। वो तो है, वो तो है, हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए। काश हमारे बड़े लल्ला को भी ना ऐसी सुंदर सुशील और संस्कारी बहू मिलती। मजाक? नहीं, ये मजाक नहीं है। आपको शुक्रिया कहना था, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए। और जो आपने हमारे लिए किया, अगर हम आपको धन्यवाद करेंगे तो पूरा जन्म निकल जाएगा पुष्पा जी ना। मतलब जितना आपने बताया, आपके ससुराल में आपको कभी आजादी नहीं मिला, आपके हिसाब से कभी चीजें नहीं हुई, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, शायद इसीलिए आपने हमें कभी भी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं है आज तक। हमें एकदम आपने ऐसे खुला आसमान दे दिया था कि हम अपने लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं वो हम खुद ले सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं है वो लेने का। कोई और हमें परमिशन कैसे दे सकता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये आत्मविश्वास आप ही ने हमको दिया। आपके लल्ला हमसे शादी करके कितना खुश है नहीं है हमको नहीं पता, पर अम्मा हम उनसे शादी करके बहुत खुश हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप मिले, क्योंकि आप सिर्फ सास नहीं हैं, आप हमारी गुरु भी हैं। लोग तो 2-in-1 में खुश हो जाते हैं, हम 3-in-1 में खुश हैं। हाँ? हाँ, सास, माँ और गुरु। लगा? तो इतना तो आपके लिए करना बनता है ना अम्मा। क्या चल रहा है सास बहू के बीच? वो एक मिनट। कुछ नहीं, वो थोड़ा प्यार आ गया तो वही। तो वो है ही इतनी प्यारी, सच में जिसे देखती अपना ही बना लेती है। हमें तो बहुत पसंद आई, हम तो तरस गए थे ऐसी बहू की सेवा के लिए। सच में बहुत अच्छी लगी हमें, इतनी अच्छी लगी कि हमें जाने का मन ही नहीं करता है। मगर क्या करें, वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ हैं, जाना तो पड़ेगा ही आपको। नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम 2-4 दिन और यहाँ रुक जाएंगे और इसकी सेवा का आनंद लेंगे। कल की हमारी जाने की टिकट कैंसिल करवा देना, ठीक है? अब बुआ जी, लेकिन वहाँ का क्या है ये सब? हाँ, अब हमको तब तक ये साड़ी का ड्रामा करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ से नहीं जाती है। हाँ, क्या हम क्या करें, इसमें आप ही की गलती है। हम
हमारा गलती कैसे हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या, अरे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतना सच सवर के उनके सामने आने की, इतनी अच्छी बहू की ओवर एक्टिंग करने की, इतने लटके झटके दिखाने के लिए संस्कारी लाजवंती बहू बनना है ना आपको, वो तो फिसलेंगे ही ना, जैसे हम फिसल गए थे जब पहली बार लल्ला हमें आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था, तभी तो ऐसे ही तो सारा प्रपंच रचाया था आपने। अरे हम तो है ही भोले भाले, हम फिसल गए। अब देखो बुआ जी भी फिसल गए, अगर एक्टिंग करनी नहीं आती तो हमसे थोड़ा ट्रेनिंग ले लेती, हम सिखा देती आपको कुछ एक्टिंग की ABCD, मगर नहीं, खुद ही करना है सब कुछ, अब भुगतिए। नहीं सही है, सही है पुष्पा जी, हमारा ही गलती है जो हमने इतना अच्छा एक्टिंग कर दिया और इतना अच्छा बहू बन गए, ये हमारा गलती है जो हम आपकी बातों में आ गए और फिसल गए। तो खुद को कोसिए, हमें कुछ मत बोलिए, गलती आप ही की है। हेलो मैडम, मैं मंजू। हाँ हाँ मंजू बोलिए। मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए, आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ हाँ हमने कहा था और हम अभी भी अटल हैं, बताइए क्या करना है। तो कीजिए मैडम। सही कहा था हसीना मैडम ने कि गलत झेलना भी गलत करने के बराबर होता है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ एक तरफ बुआ सास और दूसरी तरफ ये केस, कैसे मैनेज करेंगे हम।